नमस्कार, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का टारगेट तालुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में। मैं गौरव निरंजन, उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आइएगा, आज हम फिर से जो हमारा पीछे पार्ट चल रहा था हिमालय, उसी हिमालय को कंटिन्यू करते हैं। पिछला लेक्चर यदि आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। पिछले लेक्चर में मैंने आपको हिमालय का वर्गीकरण पढ़ाया था और हिमालय के वर्गीकरण में मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि हिमालय को किस आधार पर विभाजित किया गया है और साथ ही साथ हिमालय के कितने भाग हैं। तो हिमालय के चार भाग हैं, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, जिसमें से यूरेशियन प्लेट पर ट्रांस हिमालय है जबकि इंडियन प्लेट पर अन्य तीन जो बचे हुए हिमालय हैं यानी बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। हमारी ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के संदर्भ में आपसे बात हो चुकी थी और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था इस प्रकार से हमने संरचनाएं बनाई थी। ये आपका जो ग्रीन कलर से बनाए हैं ये ट्रांस हिमालय है, यहाँ पर ये कौन सा हिमालय, ये ट्रांस हिमालय है। उसके बाद यहाँ पर कौन सा है, ये आपका ग्रेट हिमालय है। उसके बाद यहाँ पर आपका मिडिल यानी निम्न हिमालय या लघु हिमालय है और उसके बाद यहाँ पर आपका एक हिमालय जिसका नाम है शिवालिक हिमालय। ऐसे ऐसे हमने इंडिकेट कर दिया। हमने आपको बाबू ये भी बताया था ऊपर वाली दिशा उत्तर होती है और नीचे वाली दिशा दक्षिण होती है। यदि सबसे उत्तर में देखें तो ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के दक्षिण में है ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय के दक्षिण में मिडिल हिमालय और मिडिल हिमालय के दक्षिण में है शिवालिक हिमालय। लेकिन इन हिमालयों के बीच बीच में गहरी सक्रिय घाटियां भी पाई जाती हैं, गहरी और सक्रिय घाटियां भी पाई जाती हैं। जैसे यहां पर मैंने बताया था आपको ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के मध्य में यहां से एक नदी प्रवाहित होती है, यहां से एक नदी प्रवाहित होती है, इस नदी का नाम है सिंधु नदी। इस प्रकार से सिंधु नदी ऐसे प्रवाहित होती है और साथ ही साथ ही यहां से ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये जो बीच वाला क्षेत्र है ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के, इसको नाम दे दिया गया सिंधु ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का क्षेत्र। यानी सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी ने यहाँ पर एक गर्त रूपी बेसन का निर्माण कर दिया है, एक ढलानुमा आकृति का निर्माण कर दिया जिसमें आजू बाजू वाले भाग ऊपर खड़े हुए हैं और बीच वाला भाग कैसा है, तो बीच वाला भाग गहरा है। बीच वाला भाग कैसा है, तो बीच वाला भाग इसमें गहरा है। तो इसको नाम दे दिया गया ITSZ। क्या नाम दे दिया गया इसको, इसको एक नाम दे दिया गया और नाम दिया गया ITSZ। ठीक ना, एक बात यह हो गई। दूसरी बात यह है कि अगर हम ग्रेट हिमालय की बात करते हैं तो ग्रेट हिमालय पर कई सारी चोटियां हैं। मैं प्रीवियस क्लास आपको रिविजन करा रहा हूं, जिन लोगों ने नहीं देखी है आप देख लीजिएगा। ठीक ना, तो दूसरी बात यह है कि ग्रेट हिमालय पर विश्व की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, मनसालू, धौलागिरी, अन्य चोटियां हैं। ठीक ना, यहां तक हमारी पिछले लेक्चर में आपसे वार्तालाप हो चुकी थी। इसके आगे बृहद हिमालय के बाद है मिडिल हिमालय या निम्न हिमालय या लघु हिमालय। ठीक ना, मध्य हिमालय, निम्न हिमालय या लघु हिमालय, तीन नामों से इसे जाना जाता है। और ग्रेट हिमालय से लघु हिमालय को अलग करने वाली जो संरचना है उस संरचना का नाम है MCT। क्या नाम है, तो इस संरचना का नाम है MCT, जो कि एक बेसिन गर्त रूपी घाटी है और इस घाटी में कई सारी घाटियों का निर्माण भी हुआ है। ठीक ना, तो हम यहीं से अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं MCT की। MCT, मैन सेंट्रल थ्रस्ट, मैन सेंट्रल थ्रस्ट, मैन सेंट्रल थ्रस्ट। MCT जो आपकी है यह बृहद हिमालय को लघु हिमालय से पृथक करती है, बृहद हिमालय को लघु हिमालय से पृथक करती है। ठीक ना, एक बात यह हो गई। दूसरी बात कि जो MCT है यह एक गर्त रूपी बेसिन है, गर्त रूपी बेसिन है
इस गर्त रूपी बेसन में समतल सपाट घाटियां पाई जाती है, समतल और सपाट, समतल सपाट घाटियां पाई जाती हैं। अब देखिएगा यहां पर समतल सपाट घाटियों का मतलब है कि मान लीजिएगा ये है आपका बृहद हिमालय और ये है आपका लघु हिमालय, तो बृहद और लघु हिमालय के मध्य में घाटी पाई जाएगी जो एकदम से कैसी होगी, जो एकदम से कैसी होती हैं, एकदम से जो समतल होती हैं। तो यहां पर समतल और सपाट क्या पाई जाती हैं, यहां पर समतल सपाट घाटियां पाई जाती हैं। और अगर इन समतल सपाट घाटियों की बात करते हैं, जैसे इनके अंतर्गत कौन कौन सी घाटियां, जैसे कश्मीर घाटी, जैसे यहां पर एक घाटी है कश्मीर घाटी, जानते ही है कहां पर है, जम्मू कश्मीर राज्य में है। दूसरी है कुल्लू कांगड़ा घाटी, कुल्लू कांगड़ा घाटी, ठीक ना, तो कुल्लू कांगड़ा घाटी है। उसके बाद अंगली घाटी का नाम है चुंबा घाटी, चुंबा या चुंबी, चुंबी या चुंबा घाटी, चुंबी या चुंबा घाटी, ठीक ना। और साथ ही साथ काठमांडू घाटी, काठमांडू घाटी, साथ ही साथ कौन सी, काठमांडू घाटी, काठमांडू घाटी काठमांडू या नेपाल में है, चुम्बा घाटी आपकी सिक्किम में है, कुल्लू कांगड़ा घाटी आपकी हिमाचल प्रदेश में है, और जम्मू कश्मीर में कौन सी है, तो जम्मू कश्मीर में आपकी कश्मीर घाटी है। आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा, देखिएगा प्रश्न ऐसे पूछेगा, पहला प्रश्न पूछेगा बृहद हिमालय को लघु हिमालय से पृथक करने वाली संरचना का नाम एमसीटी है। दूसरा पूछेगा कहां पर किस बेसिन में या किस संरचना के अंतर्गत समतल और सपाट घाटियां पाई जाती हैं, आप कहेंगे एमसीटी के अंतर्गत पाई जाती हैं। चार ऑप्शन कौन से रहेंगे सर, आईटीएसजेड, एमसीटी, एमबीएफ और एचएफएफ, ये चार ऑप्शन रहेंगे। तो एमसीटी, एमसीटी, कश्मीर घाटी कहां पर है, कश्मीर में है, कुल्लू कांगड़ा घाटी कहां है, आपकी हिमाचल प्रदेश में है, चुंबी घाटी, चुंबी घाटी सिक्किम में है, और कांगड़ा घाटी है काठमांडू में। कई बार वो सीरीज मिलाने के लिए दे देता है, एक साइड घाटी दे देता है, दूसरी साइड उनसे संबंधित राज्य दे देता है और पूछता है इनका सही सुमेल कीजिएगा, इनका सही सुमेल कीजिएगा, इस प्रकार से वो आपसे पूछ लेता है, ठीक ना। तो ये आपको ये सारी चीजें याद रखना है। इसी में अगर हम बात करते हैं तो इसी एमसीटी में, इस एमसीटी में एक घाटी है जिसका नाम है कश्मीर घाटी, एक घाटी है जिसका नाम है कश्मीर घाटी, इसके बारे में पढ़ते हैं। कश्मीर घाटी, पहली बात तो है इस कश्मीर घाटी से होते हुए झेलम नदी गुजरती है, इस कश्मीर घाटी से होते हुए कौन सी नदी बहती है, तो कश्मीर घाटी से होते हुए झेलम नदी बहती है, और झेलम नदी जब जम्मू कश्मीर में बहती है तो टेम्परेचर कम होने के कारण यह नदी अपने साथ ना केवल जल को लेकर आगे बढ़ती है बल्कि जल के साथ साथ बर्फ के विशाल भूभाग को भी आगे लेकर बढ़ती है, बर्फ के विशाल भूभाग को भी आगे लेकर बढ़ती है, और जब बर्फ के विशाल भूभाग को आगे लेकर बढ़ती है तो जैसे ही घाटी में नदी पहुंचती है, समझिएगा यहां पर मान लीजिएगा ये पर्वतीय क्षेत्र और ये घाटी है, तो पर्वतीय क्षेत्र है और घाटी है, जब यहां से नदी आएगी तो जब ये समतल और सपाट है तो समतल और सपाट में नदियां अपने साथ जो भी अवसाद लेकर आती हैं उन अवसादों का क्या कर देती हैं, जमाव कर देती हैं, और अवसाद के एक जगह पर रुककर जमाव होने की प्रक्रिया को एक नाम दिया जाता है, और नाम दिया जाता है निक्षेपण। क्या नाम दिया जाता है, नाम दिया जाता है निक्षेपण। तो यहां पर झेलम नदी के द्वारा कश्मीर घाटी में, झेलम नदी के द्वारा कश्मीर घाटी में हिमानी, हिमानी यानी बर्फ, हिमानी जलोढ़ निक्षेप पाए जाते हैं, हिमानी जलोढ़ निक्षेप पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, तो यहां पर हिमानी जलोढ़ निक्षेप पाए जाते हैं, ठीक ना, हिमानी जलोढ़ अवसाद कह सकते हैं या निक्षेप पाए जाते हैं, हिमानी जलोढ़ निक्षेप पाए जाते हैं। और यहां पर जो हिमानी जलोढ़ निक्षेप पाए जा रहे हैं, इन हिमानी जलोढ़ निक्षेप को एक नाम दिया जाता है, और इनको नाम दिया जाता है करेबा। क्या नाम दिया जाता है, इनको एक नाम दिया गया और नाम दिया जाता है करेवा। करेवा एक प्रकार की मिट्टी है, और इस मिट्टी में, इस मिट्टी का निर्माण बर्फ के जमाव होने से होता है, तो बर्फ के जमा होने से निर्मित मिट्टी को करेवा कहते हैं।
करे व मिट्टी एमसीटी घाटी अर्थात एमसीटी घाटी के अंतर्गत कश्मीर घाटी में पाई जाती है। साथ ही साथ ये जो करेबा है इसकी विशेषता ये है कि करेबा मृदा है, जो करेबा मृदा है इसमें जाफरान अर्थात केसर, केसर या सेफ्रॉन बोलते हैं, केसर की कृषि की जाती है। इसमें केसर की कृषि की जाती है, केसर की कृषि की जाती है। पूरे भारत में जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर केसर की कृषि की जाती है। और केसर की कृषि कहां पर की जाती है, घाटी पूछे तो कश्मीर घाटी, और अगर कश्मीर घाटी नहीं देगा तो एमसीटी घाटी ऑप्शन में देगा। पूछे किस मिट्टी में की जाती है, तो करेबा मिट्टी में इसकी खेती की जाती है। और साथ ही साथ करेबा मिट्टी में इसकी खेती किए जाने के साथ साथ किस राज्य में केसर सर्वाधिक होता है, तो केवल एक राज्य में केसर की खेती की जाती है और उसका नाम है आपका जम्मू कश्मीर। क्या नाम है, जम्मू कश्मीर। अब जब यहां पर केसर की कृषि हो गई तो केसर का निर्यात होगा, बहुत महंगा बिकता है, तो केसर का निर्यात जो है एमसीटी घाटी में अर्थात जम्मू कश्मीर में है। और जम्मू कश्मीर का श्रीनगर शहर, श्रीनगर शहर, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर का जो श्रीनगर शहर है यह जो है केसर के निर्यात के लिए जाना जाता है। यहां से केसर का क्या किया जाता है, केसर का निर्यात किया जाता है, आपको याद रखना है क्या किया जाता है, तो यहां से केसर का निर्यात किया जाता है। साथ ही साथ ही में यहां पर एक और स्थान है बारामूला, नाम सुने होंगे बारामूला। तो जो बारामूला शहर है, ये बारामूला शहर जो है यहां पर कश्मीर घाटी में ना केवल केसर बल्कि एप्पल यानी सेब की भी कृषि होती है। और जो बारामूला शहर है इस सेब के निर्यात के लिए जाना जाता है, सेब का यहां पर उत्पादन भी होता है सबसे ज्यादा, और यहां पर उत्पादन होगा आवश्यकता अनुसार अपने पास रख लेंगे, बकाया का निर्यात किया जाता है, तो यहां पर निर्यात भी किया जाता है बारामूला शहर से। कहां से, बारामूला, यहीं पर कश्मीर घाटी में ही जम्मू कश्मीर में। एक और शहर याद रखना है आपको, अनंतनाग, जिसका नाम है, क्या नाम है इसका, इसका नाम है अनंतनाग। और अनंतनाग जो शहर है वो जम्मू कश्मीर में ऊनी दरियों के लिए जाना जाता है। ऊनी दरी, दरी समझते हैं ना, जो बिछाई जाती है पलंग पर बिछाई जाती है, तो ऊनी दरी के लिए जाना जाता है। ऊनी दरी के लिए प्रसिद्ध। और यहां पर एक बात और याद रखनी है, जम्मू कश्मीर में एमसीटी घाटी में, जम्मू कश्मीर में एमसीटी घाटी में एक राष्ट्रीय पार्क है जिसका नाम है दाचीगाम, दाचीगाम नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान है दाचीगाम, राष्ट्रीय उद्यान है। और इस दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में कश्मीरी हिरण पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है, कश्मीरी हिरण, जिसको हम हंगुल के नाम से भी जानते हैं, हंगुल या महामृग के नाम से भी जानते हैं। जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु है, जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु है, ठीक ना। तो इतनी सारी चीजें आपको इसमें याद रखनी है। साथ ही साथ जो झेलम नदी है, यह झेलम नदी एक झील से होकर बहती है, झेलम नदी बुलर झील से होते हुए बहती है। तो हम कह सकते हैं कि जो कश्मीर घाटी या जो एमसीटी घाटी है, इसी एमसीटी घाटी में बुलर झील स्थित है, इसी एमसीटी घाटी में बुलर झील स्थित है। और बुलर झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील का नाम बताइएगा, तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील का नाम है बुलर झील। कौन सी झील है, तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है आपकी बुलर झील। इसको आपको याद रखना है, किस घाटी में है, एमसीटी। अगर एमसीटी ऑप्शन में नहीं होगा तो ऑप्शन में होगा आपका कौन सी, कश्मीर घाटी। कौन सी घाटी होगी, कश्मीर घाटी। बोलिएगा इतनी बात समझ में आ गई, आइएगा अब पीछे चलते हैं। और साथ ही साथ ये हमारा यूपीएसआई का एक रैंकर्स बैच स्टार्ट किया जा रहा है आपके लिए, और इस बैच में प्रवेश पाने के लिए आपको दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से आरएसआई एंट्री लिखकर सेंड करना है। एडमिशन की सारी प्रक्रिया आपको समझा दी जाएगी, एडमिशन की सारी प्रक्रिया आपको समझा दी जाएगी, ठीक ना। आइएगा यहां देखिएगा, अब हमने एमसीटी पढ़ ली, एमसीटी के बाद हम कहां पर आते हैं, एमसीटी के बाद आते हैं हम लघु हिमालय पर। एमसीटी के बाद हम कहां पर आते हैं, तो एमसीटी के बाद हम बात करते हैं लघु हिमालय की। अगर हम लघु हिमालय की बात करते हैं तो देखिएगा, लघु हिमालय जो है ये हिमालय से निकलने वाली नदियों के कारण कई श्रृंखलाओं में विभाजित हो गया है।
हिमालय से निकलने वाली नदियों के कारण एकई श्रृंखलाओं में क्या हो गया है, विभाजित हो गया है। जैसे जैसे हम समझाते हैं अभी आपको, जैसे देखिएगा, जैसे जम्मू कश्मीर में से पीर पंजाल पर्वत कहते हैं, तो हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में इसे धौलाधर कहा जाता है, और वहीं पर उत्तराखंड राज्य में, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में इसे मसूरी कहा जाता है, और नेपाल में जाके इसको एक नाम दिया जाता है महाभारत। क्या नाम दिया जाता है, तो नेपाल में इसको नाम दिया जाता है महाभारत। तो हम सीधा सीधा बना देते हैं कि लघु हिमालय को हिमालय की नदियों ने चार भागों में विभाजित कर दिया। कितने भागों में विभाजित कर दिया, चार भागों में। इसे जम्मू कश्मीर राज्य में, जम्मू कश्मीर राज्य में इसे पीर पंजाल कहा गया। जम्मू कश्मीर राज्य में किस नाम से जाना जाता है, तो पीर पंजाल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में इसे धौलाधर नाम से जाना जाता है, धौलाधर। और उत्तराखंड राज्य में, उत्तराखंड राज्य में इसे मसूरी पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं, मसूरी पर्वत, मसूरी पर्वत, ये भी पर्वत है, धौलाधर पर्वत, और यहां पर पीर पंजाल पर्वत, ठीक ना, पर्वत कहते हैं। और साथ ही साथ नेपाल में, साथ ही साथ नेपाल में से एक नाम दिया गया, और नेपाल में से नाम दिया जाता है, नेपाल में से नाम दिया जाता है क्या, तो महाभारत पर्वत, महाभारत। किस नाम से जानते हैं, तो नेपाल में से महाभारत पर्वत कहते हैं। इसमें यहां पर समझिएगा, जो पीर पंजाल पर्वत है यह लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, लघु हिमालय की, लघु हिमालय की सबसे लंबी, लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पीर पंजाल है। और वहीं पर धौलाधर जो है, याद रखिएगा, ये लघु हिमालय की इन चारों पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे नीचे की ओर है, और नीचे वाली दिशा को किस नाम से जानते हैं, दक्षिण। तो ये क्या है, ये लघु हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रृंखला है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया, सबसे दक्षिणी श्रृंखला, तो लघु हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रृंखला का नाम पूछेगा, तो लघु हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रृंखला जो है वो है धौलाधर, और सबसे लंबी श्रृंखला पूछेगा तो आप बताएंगे कौन सी है, तो आप बताएंगे सर पीर पंजाल है। कौन सी है, तो आप बताएंगे सर पीर पंजाल है। इसको थोड़ा सा हम ऊपर उठा देते हैं, ठीक ना, इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। अब देखिएगा, लघु हिमालय पर जनजातियों का विकास हुआ है, लघु हिमालय छोटा है यानी ऊंचाई इसकी कम है, और मैंने बाबू आपको काराकोरम जब पर्वत पढ़ा रहा था या ट्रांस हिमालय जब बता रहा था, तो मैंने कहा था ट्रांस हिमालय पर हिमनद पाए जाते हैं, हिस्पर है, बाइपो है, बालतोर है, सियाचिन है। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे टेम्परेचर में क्या आती है, वैसे वैसे टेम्परेचर में कमी आ जाती है, तापमान क्या हो जाता है, तापमान बाबू कम हो जाता है। तो लघु हिमालय पर तापमान कम नहीं रहता है, अधिक रहता है। तो ये जो क्षेत्र है ये जनजातियों के लिए आवश्यक अनुकूल अनुकूल परिस्थिति पाई जाती है यहाँ पर, और यहाँ पर ऐसी जनजातियाँ पाई जाती हैं जो चलवासी जनजातियाँ होती हैं। चलवासी जनजाति का मतलब होता है ऐसी जनजातियाँ, चलवासी जनजाति का मतलब होता है ऐसी जनजातियाँ जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करती रहती हैं, और इनको, इनका जीवन निर्वाहन जो है वो पशुओं पर निर्भर होता है, पशुपालक होती हैं, पशुओं का पालन करती हैं, अपने पशुओं को एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान पर पशुओं को लेकर चराती हैं, और उन्हीं से भेड़ होती है तो उसे ऊन प्राप्त होती है, बकरी होती है तो उसे मांस प्राप्त होता है, दूध प्राप्त होता है, ठीक ना, इस प्रकार से। तो याद रखिएगा, लघु हिमालय पर क्या पाई जाती हैं, जनजातियां पाई जाती हैं, जैसे गुज्जर जनजाति पाई जाती है जम्मू कश्मीर की, बुक्सा जनजाति पाई जाती है हिमाचल प्रदेश की, जौनसारी जनजाति पाई जाती है उत्तराखंड राज्य की, ठीक ना, यहाँ पर तो भोटिया जनजाति पाई जाती है, ठीक ना, याद रखिएगा, राजी जनजाति उत्तराखंड की पाई जाती है यहाँ पर, ठीक ना,
यहां देखिएगा, अब समझिएगा कंसेप्ट। जब यहां पर जनजातियां पाई जा रही हैं, कौन सी जनजातियां सर? चलवासी जनजातियां पाई जा रही हैं बाबू। तो वो जनजातियां अपने जानवरों को लेकर टहलेंगी, एक स्थान से दूसरे स्थान का भ्रमण करेंगी, तो जानवरों को खाने के लिए चारा चाहिए होगा। तो यहां पर घास के मैदानों का विकास हुआ है, लघु हिमालय पर घास के मैदान पाए जाते हैं। जैसे बात करते हैं अगर जम्मू कश्मीर राज्य में, तो जम्मू कश्मीर राज्य में जो घास के मैदान हैं, जम्मू कश्मीर राज्य में जो घास के मैदान पाए जाते हैं, घास के मैदान जम्मू कश्मीर राज्य में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें मर्म या मर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? मर्म या मर्ग। जम्मू कश्मीर राज्य में पाए जाने वाले घास के मैदान को मर्म या मर्ग कहा जाता है। जैसे जैसे सोनमर्म, गुलमर्म, नाम सुने कभी? जैसे सोनमर्म, गुलमर्म या मर्ग भी बोलते हैं, टनमर्म, ये घास के मैदान पाए जाते हैं। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की जो सीमा है उस पर भी कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें बुग्याल या पयार कहते हैं। आप कोई किताब पढ़िएगा उसमें लिखा होगा कि उत्तरांचल, और यदि उत्तरांचल नहीं लिखा होगा तो हिमाचल प्रदेश लिखा होगा। यहाँ पर एक घास के मैदान पाए जाते हैं, और यहाँ पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनका आपको नाम याद रखना है। तो यहाँ पर बुग्याल या पयार घास के मैदान पाए जाते हैं, बुग्याल या पयाल घास मैदान, बुग्याल या पयाल घास मैदान यहाँ पर पाए जाते हैं। और साथ ही साथ अगर यहाँ की बात करते हैं मसूरी पर्वत की, तो यहाँ पर भी मसूरी पर्वत पर भी कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं, जैसे द्वार घास के मैदान, द्वार घास मैदान। कौन से घास के मैदान? तो यहाँ पर द्वार घास मैदान पाए जाते हैं, और इन्हीं द्वार घास के मैदान में हरिद्वार शहर स्थित है। कौन सा शहर स्थित है? हरिद्वार शहर स्थित है, ठीक ना। तो ये आपका लघु हिमालय है। लघु हिमालय पर वर्षा कम होती है, अनुकूल जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं, ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी, इसलिए इस क्षेत्र में पर्यटन भी ज़्यादा होता है। इस क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों की बात करें तो जैसे हिमाचल प्रदेश में शिमला है, जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, साथ ही साथ धर्मशाला है, जो हिमाचल प्रदेश की द्वितीय राजधानी है। डलहौजी नाम का एक शहर है, कुल्लू मनाली नाम के शहर है, ठीक ना। यहाँ पर अगर बात करते हैं उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में मसूरी है, देहरादून है, नैनीताल है। तो ये जो लघु हिमालय है यह पर्यटन की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, जनजातियाँ भी पाई जाती हैं, और पर्यटन देखने जब यहाँ पर जाते हैं तो कई प्रकार की जनजातियाँ मिलती हैं। कुछ जनजातियाँ ऐसी भी पाई जाती हैं जो चलवासी जनजातियाँ नहीं हैं, बल्कि आकर्षण का जो केंद्र होती हैं, तरह तरह के नाच गाने करते हैं, उनका पहनावा अट्रैक्शन वाला होता है, जिससे पर्यटक उनकी ओर आकर्षित होते हैं और उन्हें पैसा देते हैं। उनकी कला के आधार पर उनको पैसा दिया जाता है, उनकी प्रतिभा के आधार पर, जिससे उनका जीवन यापन होता है, ठीक ना। इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बातें समझ में आ रही है ना? एकदम से बातें क्लियर है ना? चलिएगा आगे देखिएगा बात हमारी। अब हमारा लघु हिमालय हो गया। लघु हिमालय के बाद आता है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में एक संरचना है जिसका नाम है MBF, यानी मैन बाउंड्री फॉल्ट। एक संरचना है जिसका नाम है MBF, MBF, मैन बाउंड्री फॉल्ट। एक संरचना है मैन बाउंड्री फॉल्ट, और MBF जो है, MBF यह लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, लघु एवं शिवालिक, लघु एवं शिवालिक हिमालय के मध्य, लघु एवं शिवालिक हिमालय के मध्य, ठीक है ना। इसमें भी घाटियां पाई जाती हैं, लेकिन यहां पर जो घाटियां पाई जाती हैं उन्हें दून घाटी कहते हैं, दून घाटी पाई जाती हैं, यहां पर दून घाटी पाई जाती हैं, जैसे ऊधमपुर दून, ऊधमपुर दून, ए जम्मू कश्मीर में है। देहरादून, देहरादून कहां पर है? उत्तराखंड में है।
तो यहाँ पर दून घाटियां पाई जाती हैं। और यह प्रश्न लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के द्वारा पूछा गया है, दून घाटी किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो याद रखिएगा, दून घाटी MBF में पाई जाती हैं। यह दून घाटी किन हिमालयों के मध्य पाई जाती हैं? तो दून घाटी जो है वो शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय के मध्य पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय के मध्य पाई जाती, इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक ना। अब हम कहाँ पर आ जाते हैं? हम आ जाते हैं शिवालिक हिमालय पर। और शिवालिक हिमालय की अगर बात करते हैं, शिवालिक हिमालय के बारे में पहले दो चीज़ें जो हम बता चुके हैं आपको, पहली बात, हिमालय का यह सबसे नवीन भाग है। पहली बात तो ये हो गई, हिमालय का ये सबसे नवीन भाग है, पहली बात। और दूसरी बात इसमें ये है, हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग है। हिमालय का क्या है? तो हिमालय के सबसे दक्षिण में है। और हिमालय के सबसे दक्षिण में है यानी ए है, इस सबसे बाहर की ओर है। और बाहर की ओर होने के कारण इसको एक नाम और दिया जाता है, और इसको नाम दिया जाता है बाहरी हिमालय या बाह्य हिमालय, ठीक ना। तो बाह्य हिमालय या बाहरी हिमालय के नाम से कौन सा पर्वत जाना जाता है? अगर इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे तो शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय भी कहते हैं, बाहर की ओर है। किस नाम से जानते हैं? बाह्य हिमालय भी कहते हैं इसे, ठीक ना। बात क्लियर है? अब देखिएगा, अगर हम शिवालिक हिमालय की बात करते हैं तो शिवालिक हिमालय का विस्तार पाकिस्तान से लेकर भारत के असम राज्य तक है। पाकिस्तान में एक यहाँ पर जगह है और इस जगह का नाम है पोटबार बेसिन। क्या नाम है? पोटबार बेसिन। तो शिवालिक हिमालय जो कि हिमालय का नवीन भाग है, इसका विस्तार पाकिस्तान के पोटबार बेसिन से लेकर असम में एक जगह है दिहांग गार्ज। ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा यहाँ पर बी आकार की घाटी का नाम निर्माण किया गया है, और उसी भी आकार की घाटी को दिहांग गार्ज कहते हैं। तो कहाँ से लेकर कहाँ तक है इसका जो विस्तार है, ये कहाँ से कहाँ तक है? तो पाकिस्तान के पोटबार बेसिन से लेकर असम के दिहांग गार्ज तक है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ अपने साथ अवसादों को बहाकर लाती हैं, और उन्हीं अवसादों के एकत्रित होने से इसका निर्माण हुआ है। अभी भी उत्थान की प्रक्रिया इसमें जारी है, और उत्थान की प्रक्रिया जारी होने के कारण ये धीरे धीरे ऊपर की ओर अवतलन की प्रक्रिया इसमें हो रही है, यानी उत्थान की प्रक्रिया, अवतलन नहीं सॉरी उत्थान की प्रक्रिया इसमें हो रही है, ठीक ना। तो बस इसमें केवल यही बात आपको याद रखनी है, ठीक ना, कि इसका विस्तार पाकिस्तान के पोटबार बेसिन से लेकर कहां तक है? पाकिस्तान के पोटबार बेसिन से लेकर असम के दिहांग गार्ज तक है, ठीक ना। अंग समझिएगा हमारी बात अंग समझिएगा। अभी यहां पर बात खत्म नहीं हुई, ये तो हिमालय हमारा हो गया। अब एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था सर सिडनी बुरार्ड। एक भूगर्भ शास्त्री आए जिनका नाम है सर सिडनी बुरार्ड। और सर सिडनी बुरार्ड ने हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन किया। हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन किया। तो अब पहला क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन किसने किया? सुसर सरनी बुराड ने। इन्होंने कहा कि एक यहाँ पर तिब्बत में मानसरोवर झील है, इस मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है सिंधु नदी। इस नदी का नाम क्या है? तो इस नदी का नाम है सिंधु नदी। और साथ ही साथ मानसरोवर झील से एक नदी और निकलती है जो सिंधु नदी के समांतर बहती है, इस नदी का नाम है सतलज नदी। इस नदी का नाम क्या है? सतलज। तो सतलज और सिंधु, इस नदी का नाम हम यहाँ लिख दे रहे हैं,
इस नदी का नाम है सतलज, सतलज आर, आर का मतलब रिवर। तो सिंधु नदी और सतलज नदी के जो बीच का क्षेत्र है, इस बीच वाले क्षेत्र को इन्होंने पंजाब या कश्मीर हिमालय की संज्ञा दी। हम इसको इस मानचित्र में नहीं समझा रहे, मानचित्र में समझाएंगे, लेकिन डायग्राम हम अलग से बनाएंगे, इसका डायग्राम हम इसका आपके लिए अलग से बनाएंगे। देखिएगा इस प्रकार से, एक नदी का नाम क्या है, तो एक नदी है जिसका नाम है सिंधु और दूसरी नदी है जिसका नाम है सतलज। तो सिंधु और सतलज नदी के बीच के क्षेत्र को किस नाम से जाना गया, तो कश्मीर या पंजाब हिमालय, कश्मीर या पंजाब हिमालय, कश्मीर या पंजाब हिमालय। तो कश्मीर या पंजाब हिमालय किसको नाम दे दिया गया, तो कश्मीर या पंजाब हिमालय नाम दे दिया सिंधु और सतलज नदी के बीच के क्षेत्र को। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इस सतलज नदी बह रही है और यहाँ पर नेपाल से होती हुई एक नदी बहती है इस प्रकार से। इस नदी का नाम है काली। तो एक नदी है सतलज और एक नदी काली, काली और सतलज नदी के बीच वाले क्षेत्र को एक नाम दे दिया, एक सतलज है तो दूसरी नदी है काली, और काली और सतलज नदी के बीच के क्षेत्र को नाम दे दिया गया कुमायूं हिमालय। कौन सा हिमालय, इसको नाम दे दिया गया कुमायूं, कुमायूं हिमालय। क्या नाम दे दिया गया, इसको नाम दे दिया कुमायूं हिमालय। आगे देखिएगा, यहाँ पर कुमायूं हिमालय है और यहाँ पर एक नदी निकलती है सिक्किम से जो बंगाल चली जाती है, बांग्लादेश, इसका नाम है तिस्ता, तिस्ता। तो काली और तिस्ता नदी के जो बीच का क्षेत्र है, इस काली और तिस्ता नदी के बीच के क्षेत्र को नाम दिया गया असम हिमालय। काली और अगली नदी है तिस्ता, तो काली और तिस्ता नदी के बीच के क्षेत्र को एक नाम दे दिया गया, और काली और तिस्ता नदी के बीच के क्षेत्र को नाम दिया गया असम हिमालय। क्या नाम दिया गया, इसको नाम दिया गया असम हिमालय। और साथ ही साथ एक यहाँ पर और बच जाता है, ये अगर तिस्ता है तो यहाँ से एक नदी प्रवाहित हो रही है जिसे अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से जानते हैं। तो तिस्ता और दिहांग नदी के जो बीच का क्षेत्र है, तो तिस्ता नदी है और एक नदी का नाम है दिहांग। तो तिस्ता नदी है और एक नदी का नाम है दिहांग। तो तिस्ता और दिहांग नदी के बीच के क्षेत्र को नाम दिया गया कौन, काली और तिस्ता नदी के बीच के क्षेत्र को नाम दिया जाता है नेपाल हिमालय। क्या नाम दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है नेपाल हिमालय। ठीक ना, काली सतलज और काली नदी के बीच को कुमायूं हिमालय, और काली और तिस्ता नदी के बीच के क्षेत्र को नेपाल हिमालय कहते हैं, और तिस्ता और दिहांग नदी के बीच के क्षेत्र को, तिस्ता और दिहांग नदी के बीच के क्षेत्र को एक नाम दिया गया और नाम दिया जाता है असम हिमालय। क्या नाम दिया गया, इसको नाम दिया जाता है असम हिमालय। क्या नाम दिया गया, असम हिमालय। ठीक ना, तो इस प्रकार से सर सिडनी बुराड महोदय ने नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण किया, नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण किया। ठीक ना, तो बाबू एक बार से मैं फिर से बता दे रहा हूँ, आपके संस्थान टारगेट तालुक में UPSI का एक बैच संचालित किया जा रहा है, और इस बैच में प्रवेश पाने के लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम पर व्हाट्सएप के माध्यम से एंट्री RSI लिखकर सेंड करना है। एडमिशन की प्रक्रिया आपको बता दी जाएगी। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगली बार। ठीक है, धन्यवाद।